और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरामबाग से आप सुन रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्वर्णिम कालखंड होने वाले हैं, आपको आरामबाग से मेरे साथी श्री अरूप कांति दिगर जी को भारी वोट से जिताकर दिल्ली भेजना है और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना तो वोट सीधा सीधा मेरे खाते में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा। याद रखना, ये चुनाव हिंदुस्तान की सरकार बनाने का है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कि आराम बाग में मौजूद जनता को संबोधित, उनके द्वारा किया गया तमाम बातों का जिक्र करते हुए बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाते हुए वो नजर आए, साथ साथ में जनता से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरामबाग में नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको देखा जा सकता है, उनका संबोधन रहा और अपने संबोधन में चुनावों का जिक्र करते हुए पांचवें चरण के प्रचार को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। 42 सीटों का यह सवाल और जनता का जनादेश किस तरफ जाता है, देखने वाली बात। इस बीच जय श्री राम के उद्घोष नजर आए, वंदे मातरम के नारे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हुए नजर आए और फुल ऑन एक्शन मोड में बीजेपी फिलहाल नजर आ रही है। तमाम स्टार प्रचारक का मान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं।